मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग बनाएंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ के पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है x+4 × x+10। तो बच्चों इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तो देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, x+4 यहां भी है × x+4 × x+10 x यहां भी है ना। तो एक कॉमन चीज मिला x, तो जब ऐसा चीज मिले दैट इज इफ द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये इस फॉर्म में हो कि x+a × x+b, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज x² + a + bx + ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है यहां पे, कि x² + a + b ऑफ x लेना है हम लोग को। तो a प्लस बी ऑफ x जो लेंगे, यहां पे a प्लस बी कौन है, a कौन है 4, b कौन है 10, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, और दूसरा फिर क्या करना है a प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं x² की जगह पे तो x² ही रह जाएगा प्लस a प्लस बी 4 + 10 ऑफ x प्लस a इंटू बी दैट इज 4 × 10। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, x² + 14x + 40, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर इन केस ऐसा हो कि हम लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रोडक्ट होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर का हरेक टर्म दूसरे ब्रैकेट के हरेक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। नाउ सेम क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, x+4 × x+10 था ना, इसमें पहले ब्रैकेट का जो पहला टर्म है x, ये दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x+10, यहां पे फिर साइन क्या है +4, सो +4 ये दूसरा टर्म है वो भी फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा x+10। तो क्या मिल गया हम लोगों को, x² + x × 10 = 10x + 4 × x = 4x + 4 × 10 = 40। देन आंसर हम लोगों का क्या बन जा रहा है, x² + 10x + 4x दोनों मिलके क्या बन गए 14x + 40। तो आंसर तो सेम आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग के पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे x + 4 × x + 10 means x + a and × x + b के फॉर्म में जो भी आएंगे, तो उनको हम लोग इसी आइडेंटिटी से बना सकते हैं या फिर इस मेथड से बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि है 3 − 2x, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 − 2x and 3 + 2x। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो देखते हैं 3 काम कर रहा है, अगर हम 3 को a माने और 2x को b माने, तो ये किस तरह से आ रहा है a − b × a + b। देन हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं a − b × a + b क्या होता है, a² − b² देन a की जगह पे कौन है 3, सो a² − b² b की जगह पे कौन है 2x, सो 2x² सो योर आंसर विल बी 9 − 4x² क्यों, क्योंकि a − b × a + b क्या होता है a² − b² होता है। ओके, तो आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है कि आइडेंटिटीज का यूज करके पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।